अरे बच्चों, मस्ती भरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? आज मैं तुम्हें एक मजेदार कार्टून कहानी सुनाने वाली हूँ, एक शेर और एक बैल के बारे में। तो आराम से बैठो और चलो इस एडवेंचर में गोता लगाते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े हरे भरे जंगल में लियो नाम का एक ताकतवर और बहादुर शेर रहता था। लियो जंगल का राजा था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। लेकिन लियो सिर्फ मजबूत ही नहीं, बहुत बुद्धिमान भी था। एक दिन अपने राज्य में घूमते हुए लियो ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज के पीछे गया और उसे एक बड़ा ताकतवर बैल मिला जिसका नाम बेनी था और जो कीचड़ में फंसा हुआ था। बेनी बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जितना ज्यादा जोर लगाता उतना ही गहरा धंसता जाता। लियो देख सकता था कि बेनी को मदद की जरूरत है, तो उसने उसके पास जाने का फैसला किया। चिंता मत करो बेनी, लियो ने अपने शांत और बहादुर आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बेनी ने लियो को उम्मीद भरी आंखों से देखा और बोला, शुक्रिया लियो, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे फंस गया। लियो ने एक पल सोचा और फिर एक चालाक आइडिया आया। उसने एक लंबी मजबूत बेल ढूंढी और उसे बेनी के चारों ओर बांध दिया। मजबूती से पकड़ो बेनी, लियो दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसने बेनी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। बेनी को बहुत राहत मिली और वह बहुत आभारी था। शुक्रिया लियो, तुमने मुझे बचा लिया, उसने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। लियो भी मुस्कुराया और बोला, दोस्त इसीलिए होते हैं बेनी, हमेशा याद रखना, हमें जब भी हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन से लियो और बेनी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में खेले, जंगल की खोज की और यहाँ तक कि जरूरत में दूसरे जानवरों की भी मदद की। उनकी दोस्ती की वजह से जंगल एक बहुत खुशहाल जगह बन गया। तो बच्चों, इस कहानी का मतलब ये है, हमेशा अपने दोस्तों और जरूरतमंदों की मदद करो। ठीक लियो शेर और बेनी बैल की तरह हम दयालु और मददगार बनकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और मजेदार कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक एडवेंचर्स बने रहो और मुस्कुराते रहो। बाय।